गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 7 एंड चैप्टर नेम इज एब्लेस हॉलीडे। एब्लेस हॉलीडे, गांव में छुट्टी का दिन। इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ सिटी एंड विलेज। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे कि शहर और गांव में क्या अंतर है। इन दिस स्टोरी देयर आर टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं इस स्टोरी में, जो अपनी छुट्टी गुजारने के लिए गांव में जाते हैं, समर वैकेशन गुजारने के लिए गांव में जाते हैं और वो वहां पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो उनके माध्यम से हम शहर में और गांव में क्या अंतर है, इस अंतर को भी जानेंगे। सौरभ एंड श्वेता लव समर हॉलीडेज। सौरभ और श्वेता समर हॉलीडेज यानी कि गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उनको पसंद करते हैं। दे कैन गो, वे जा सकते हैं एंड स्टे, ठहर सकते हैं एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, दादा दादी के घर, इन द विलेज, गांव में। दे लव द विलेज, वे गांव को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? फॉर इट्स फ्रेश एयर, इसकी ताज़ी हवा के लिए, फ्लावर्स के लिए और ट्रीज, पेड़ों के लिए। देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज लार्ज, उनकी दादी दादा का जो घर है वो बहुत बड़ा है, विद बिग रूम्स, उसमें वहाँ पर क्योंकि बड़े बड़े कमरे हैं। एंड स्विंग्स इन द गार्डन, और बगीचे में झूला भी है, स्विंग्स मीन्स झूला। द समर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, छुट्टियाँ, गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड द किड्स आर अगेन विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, जो बच्चे हैं, जो दोनों बच्चे हैं, ये फिर से अपने दादा दादी के साथ हैं। ग्रैंड माँ प्रिपेयर्स देयर फेवरेट डिशेज, दादी माँ उनके लिए प्रिपेयर्स मीन्स तैयार करती हैं या बनाती हैं फेवरेट डिश, फेवरेट्स यानी कि जो उनकी प्यारी हैं, डिशेस यानी कि जो भी खाने की चीज़ें जो उन्हें पसंद हैं उनके लिए वो तैयार करती हैं। एंड दे हैव ए लवली टाइम ईटिंग एंड प्लेइंग इन द गार्डन, और वे एक बहुत ही प्यारा समय, बहुत ही अद्भुत समय खाने में और खेलने में गुजारते हैं। कहाँ गुजारते हैं? इन द गार्डन, बगीचे में। द गार्डन हैज़ मैंगो, बनाना, कोकोनट एंड टमरेंड ट्रीज, बगीचे में किस किस चीज़ के पेड़ हैं? मैंगो, आम के, केले के, कोकोनट, नारियल के और टमरेंड यानी कि इमली के पेड़ हैं। द मैंगो ट्री इज़ फुल ऑफ स्मॉल रॉ मैंगोज, और जो पेड़ आम के पेड़ हैं वो बिल्कुल फुल हैं, फुल यानी लदे हुए हैं छोटे कच्चे आमों से, यानी वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कच्चे आम लगे हुए हैं। वन डे, एक दिन, दे सी, वे देखते हैं सिक्स मंकीज सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री, वो देखते हैं कि छह बंदर आम के पेड़ पर बैठे हुए हैं। दे आर बाइटिंग एंड थ्रोइंग डाउन रॉ मैंगोज, वे कच्चे आमों को बाइट कर रहे हैं, काट रहे हैं और थ्रोइंग डाउन और नीचे फेंक रहे हैं। ग्रैंडफादर इज़ वेरी एंग्री, उनके जो दादाजी हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, एंग्री मीन्स नाराज़। ही पिक्स अप ए स्टिक, वो एक छड़ी को उठाते हैं, स्टिक मीन्स छड़ी, टू स्केयर, स्केयर मीन्स डराने के लिए, डैम यानी उनको किसको, सिक्स जो मंकीज़ हैं उनको डराने के लिए। एंड चेज देम अवे, और चेज मीन्स होता है पीछा करना, और वे उनका दूर तक पीछा करते हैं। सीन द स्टिक, वन बिग मंकी स्टार्ट्स जंपिंग ऑन द ब्रांच मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, जब एक बड़ा बंदर स्टिक को देखता है तो वो स्टिक को देख करके उछलना शुरू कर देता है, ब्रांच यानी कि पेड़ की शाखाओं पर वो उछलना शुरू कर देता है, मेकिंग ए नॉइज़, आवाज़ करते हुए, शोर करते हुए
वो ब्रांच पर उछलना शुरू कर देता है। ही लुक्स सो फनी, वह बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। फनी मन मतलब विचित्र दिखाई देता है। दैट ग्रैंडफादर स्टार्ट्स लाफिंग, वो इतना अद्भुत लगता है कि उसके दादाजी जो हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं, हंसने लग जाते हैं। हिज एंगर वैनिशेस, और उनका जो गुस्सा है वो वैनिश हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। ही ड्रॉप्स हिज स्टिक, वे अपनी स्टिक को रख देते हैं एंड गोज इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर चले जाते हैं। द मंकीज आल्सो टर्न एंड स्करी अवे, और इस तरीके से जो मंकीज हैं वो भी चले जाते हैं। और स्करी का मतलब होता है कि छोटे छोटे कदमों से बहुत दूर तक दौड़ जाना, वो बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमने देखा कि हमने यहाँ इस पूरे चैप्टर में दो डिफरेंस आपको नज़र आए जो शहर और गांव के बीच में दिखाई देते हैं। पहला ये कि वहाँ की जो एयर होती है, गांव की जो एयर होती है वो शहर के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ्रेश होती है। शहर के बजाय गांव की हवा ज़्यादा फ्रेश होती है। दूसरा, वहाँ पर हमें बहुत सारे ट्रीज़ मिलते हैं, इतने शहर में नहीं मिलते। थैंक यू, हैव ए गुड डे।